नहीं लगने देगी अनुपमा, स्पाइस एंड चटनी पे ताला, नहीं होने देगी बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की जिंदगी का एक पैटर्न रहा है दोस्तों, कि जब भी अनुपमा की जिंदगी में कोई बड़ा पर्सनल चैलेंज आता है, उसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज ऐसा आ जाता है जिसको सॉल्व करना अनुपमा की प्रायोरिटी हो जाती है, और ये होना ही चाहिए। लाइफ में चैलेंजेस चलते रहते हैं, मगर आपको पहले कौन सा चैलेंज सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अर्जेंसी उस चैलेंज पे डिपेंड करती है। और अभी अनुपमा की ज़िंदगी में एक तोशु का चैलेंज है, उसकी श्रुति अनुज की शादी का चैलेंज है, जो इमोशनल चैलेंजेस है, मगर उसके साथ साथ ये स्पाइस एंड चटनी का चैलेंज है। तो बात करते हैं कि अनुपमा कैसे बचा सकती है स्पाइस एंड चटनी को। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब स्पाइस एंड चटनी पे आ गई है मुसीबत। यशपाल ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है जो अभी अभी एक्सपोज हुआ। अब स्पाइस एंड चटनी अनुपमा का गॉड है, क्योंकि अमेरिका में स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ अनुपमा के लिए सबसे बड़ा सहारा। स्पाइस एंड चटनी के दीपू, यशदीप, यशपाल, बीजी, इन्होंने परिवार दिया है अनुपमा को, तो अनुपमा तो कभी भी पीछे नहीं हटती है। और अनुपमा का जज्बा हमने देखा है कि जिस चीज़ पे वो अनुपमा सोच लेती है कि मुझे जीतना है, तो वो जीत के ही हटती है। अब कितना कर्जा है, क्या है, ये तो अभी पता चलेगा, मगर बहुत सारा है ये पता चल गया है। अब वो सारा कर्जा कैसे उतरेगा, मैंने अपने लाइव वीडियो में भी थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी कि इसको अनुपमा कैसे कर सकती है। सबसे पहली बात, डांस कंपटीशन। कोई डांस कंपटीशन हो सकता है जिसको अनुपमा करे, जिसका भारी भरकम इनाम हो, अनुपमा वो कर सकती है। अनुपमा के पास उसके मसाले हैं, जिसको ब्रांड बना दिया गया है दीपू द्वारा, वो ब्रांड का सारा प्रॉफिट अनुपमा स्पाइस एंड चटनी को दे सकती है। तो इस तरह से अनुपमा अपने हुनर से, अपनी सूझबूझ से, बिना अपने हौसले को तोड़े हुए, क्योंकि चैलेंजेस हौसला तोड़ने वाले ही हैं, अपने स्पाइस एंड चटनी को बचाएगी। क्योंकि अभी अनुपमा की वन एंड ओनली प्रायोरिटी होगा स्पाइस एंड चटनी को बचाना, उन लोगों को बचाना, उस स्टाफ की नौकरी को बचाना जो सिर्फ स्पाइस एंड चटनी पे ही डिपेंड करते हैं, उन लोगों के जो घर को बचाना जो सिर्फ स्पाइस एंड चटनी से ही चलते हैं। तो अनुपमा का अब ये बड़ा मिशन होगा वहाँ पे स्पाइस एंड चटनी पे ताला ना लगने देना, और वो बाखूबी निभाएगी, और बहुत ही दिलचस्प होगा ये मिशन। और अपने ही हुनर से वो ये बताएगी कि अगर कोई डिटर्मिनेशन ले ले किसी काम को करने की, तो उसको कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता है, चाहे वो अनुज कपाड़िया हो, चाहे वनराज शाह हो, चाहे उसका घटिया बेटा तोशु हो। तो मुझे तो ये देखने में बड़ी दिलचस्पी है दोस्तों, आपकी है या नहीं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।